अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे दुनिया के जिस जिस कोने में भी देखा जा रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। गैस नहीं थी आ रही तो आज मुझे ऊपर खाना बनाना पड़ा है, लकड़ियाँ जला कर। मसाला मैंने भुना है तो गैस चली गई है, फिर मैंने लकड़ियाँ जलाई हैं तो फिर मैं हंडिया को ऊपर ले के आई हूँ। बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, इतनी परेशानी बनी हुई है ना, मौसम चेंज भी हो गया और गैस ही नहीं आती। हमजा ने मुझे लकड़ियाँ जला कर दी हैं तो मैंने ऊपर हंडिया रखी है। आँखों से मेरे धुआं निकल रहा है, इतनी कभी पकाई नहीं है लकड़ियों पर, खाना नहीं बनाया, गैस सिलेंडर भी खाली हो गया था। होए होए, पानी खुशक हो गया तो मैंने ना ढकना है ना उतार दिया, तो मैंने कहा ऐसे ना गोभी ना टूट ना जाए और गल भी ना जाए ज़्यादा, ऐसे ही इसको मैं खुले में भूनूंगी। तकरीबन थोड़ा सा पानी रह गया, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तकरीबन बच्चे फारिग भी होने वाले हैं। आग ज़्यादा तेज़ हो गई है, सिलेंडर की भी रोटी बच्चे ना पसंद नहीं करते, थोड़ी सी कच्ची होती है, थोड़ी सी पक जाती है। सबसे पहले मैंने रोटियाँ बनाई हैं, फिर मैंने हंडिया रखी है। मैंने कहा जब बनानी लकड़ियों पर है तो फिर क्या जल्दी जल्दी करनी है, पहले रोटियाँ पकाई हैं मैंने, फिर मैंने सालन रख दिया। अब तकरीबन मगरिब की जान भी हो गई है, ये देख लें बादल। पिछली बार मैंने सिलेंडर पर बनाई थी, मेरी तो गोभी गल गई थी और पानी खुशक होने का नाम ही नहीं था ले रहा। ये देखें जल्दी जल्दी में मैंने मिट्टी भी नहीं लगाई देचकी को, तो मैंने वैसे जल्दी से आग के ऊपर डाल दी। अब इस पे ना जी लकड़ियों को मैंने बुझा दिया, अब ये कोलों पर ही बन जानी है। तकरीबन शाम ही हो गई है, 4 बजे की मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे।